हाय, मेरा नाम हिरोक है और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। कहानी का नाम है शैतान। चलिए कहानी सुनते हैं। यहां से बहुत दूर, इतनी दूर कि वहां ट्रेनें नहीं चलती, वहां बसें भी नहीं चलती, पर अगर आपको वहां जाना है तो वो आप देख लो। वो मेरा गांव है, मैं वहां जाता था। वो गांव बहुत सुंदर है, नीला आसमान, गहरा नीला आसमान, चारों तरफ हरियाली, हरी हरी, जमीन का रंग भूरा, घरों की दीवारों का रंग भी भूरा, क्योंकि वो मिट्टी से बनती थी ना। एक सौंधी सी खुशबू, वही खुशबू जो गांव में पानी छिड़क कर आती थी जमीन से। रात को वो गांव जगमगाता है, घरों की रोशनियों से नहीं, आसमान में करोड़ों लाखों तारे और जमीन पर जुगनू। बहुत सुंदर लगता है, वो मेरा गांव है। मैं वहां पर अपनी नानी के साथ रहता था। मेरा गांव जहां पर खत्म होता है वहां पर एक बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा। मैदान के इस तरफ बहुत सारे पेड़ हैं, आम के, लीची के, कटहल के। सामने भी कुछ पेड़ हैं पर शायद जंगली हैं वो। यहां इस कोने में, एकदम कोने में, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि उसने अपने हाथों को चारों तरफ फैला रखा है और उसके ऊपर एक हरे रंग की चादर है। उसके झुमके हैं, वहां के बच्चे उसे पकड़ के झूलते हैं। मुझे बड़ा पसंद है वो पेड़। स्कूल से आकर घर पे बैग रखता था और दादी से बोलता था कि दादी उस पेड़ के पास जा रहा हूं। वो पेड़ इतना पुराना था कि मैं जब भी दादी से पूछता था कि दादी वो पेड़ कितना पुराना है, तो वो बड़े ड्रामेटिक तरीके से कहती थी, वो पेड़ बहुत पुराना है, मैं से भी पहले का है वो पेड़, क्यों? मैं कुछ नहीं बोलता था, ऐसे ही हंस दिया करता था। अच्छा, स्कूल से आने के बाद बैग रखता था, खाना वाना खाकर सीधा उस पेड़ के पास चले जाता था और वहीं सो जाया करता था। कभी कभार खाना भी लेकर जाता था और वहीं पर ही सो जाता था। जैसी हरी चादर उस पेड़ के ऊपर थी, ठीक वैसी हरी चादर जमीन पर भी थी, बस ये मुलायम थी और हल्की सी कम हरी थी, तो नींद बड़ी अच्छी आती थी। दोपहर की नींद के बाद आराम से उठता था। वो जो नीचे वाली चादर थी वो ज्यादा दूर तक नहीं फैली हुई थी, उस पेड़ के आसपास थी। फिर उसके बाद मिट्टी शुरू हो जाती थी और मिट्टी के बाद इसी तरफ एक बड़ा सा तालाब था। तालाब नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं था, बस ऐसा था कि जब भी मैं तालाब के आगे खड़ा होता था तो पीछे वाला हिस्सा जहां पर वो तालाब खत्म होता है वो दिख जाया करता था। और वो वाला हिस्सा ना अच्छा नहीं था। वहां पर काई जमी थी, कुछ पीली पीली, कुछ लाल, और उसके पीछे वो जंगल था। जंगल से अजीब सी बदबू आती थी, घना जंगल था और ऐसा लगता था जैसे कुछ जल रहा हो, धुआं भी आता रहता था। मैं दादी से पूछता था कि दादी क्या है वहां पर, ऐसा क्यों गंदी बदबू, की धुआं क्यों? तो फिर वही ड्रामेटिक, वो कहती थी, वहां पे शैतान रहता है, क्यों पूछ रहा है तू, गया था क्या वहां पे तू? नहीं नहीं दादी, मैं नहीं गया। अच्छा मत जाना, वहां पर शैतान है। अच्छा सुन, तालाब में तो नहीं गया तू? नहीं दादी, तालाब में क्यों जाऊंगा मैं? हाँ, तालाब में ठंडा है, बेस फंसेगा, वो शैतान पकड़ के ले जाएगा और वो धुआं तो दिखता है ना, तू उसका खाना पकाने का है। मैं चुपके से बाहर आता था और हंस दिया करता था। हालांकि
मैं कभी जंगल नहीं गया, इसलिए नहीं कि मुझे डर लगता था, इसलिए कि बदबू आती थी, पर तालाब में मैं जाता था। दोपहर की नींद के बाद तालाब में 2-3 डुबकी मार ही लेता था। पर एक दिन ना जाने क्या हुआ, मैंने काफी जोर से डुबकी मारी और नीचे चला गया। मैंने भी खुद को नहीं रोका, धीरे धीरे नीचे गया और आसपास सारी चीजें धुंधली सी हो गई, कुछ नहीं दिख रहा था, बस मछलियां छू छू कर गुजर रही थी तो मजा आ रहा था। अब जैसे ही नीचे पहुंचा, मेरा पैर किसी से टकराया, मैं घबरा गया। फिर एहसास हुआ, अरे मैं तो नीचे आ गया और यहां तो कुछ नहीं है। दादी झूठ बोलती थी ये तो मुझे पता है, पर इतनी झूठी। मैंने सोचा ऊपर जाकर आज दादी को बताऊंगा, दादी मैं गया था और वहां पर कुछ नहीं था। आप क्या बकवास करती रहती हो, सबको गांव में बताती रहती हो कि शैतान है वहां पर और मुझे डरा कर रखा था। मैंने अपना पैर जोर से नीचे मारा ऊपर जाने के लिए, और जैसे ही मारा पैर फंस गया, मेरा पैर फंस गया वहां पर। मैं घबरा गया, मुझे लगा कहीं दादी सच तो नहीं कह रही थी, कहीं सच में शैतान ने फंदा तो नहीं लगा रखा था। मन में कुछ आ ही नहीं रहा था, मैं डरा हुआ था और सांस भी नहीं आ रही थी और मुंह खुल गया और पानी अंदर। पर मैं बच गया। मेरी दोस्त रसिका, सीक्रेट शेयर करते थे हम दोनों, सिर्फ उसी को मालूम था कि मैं उस तालाब में जाकर नहाता हूं, क्योंकि वो भी यही करती थी तो हमने किसी को बताया नहीं था। उसने मुझे बचाया और वो घर ले गई। एक हफ्ते तक बीमार रहा, वो आती थी देखने, मैं उसे पूछता था क्या था वहां पर, मुझे नहीं मालूम, खुद ही देख लेना। एक महीना हर दिन पूछता था मैं क्या था वहां पर बताना, बस चुप रहती थी। मैं ठीक हुआ और रेडी हो गया कि मैं जाऊंगा इस बार, देखता हूं क्या था वहां पर। हाथ में लोहे का रॉड और एक हाथ में टॉर्च लेकर पहुंच गया मैं। रसिका चलना मेरे साथ। रसिका एकदम तैयार, वो भी चली। उसका जोश देखकर मुझे भी जोश आया और मैं तालाब के पास, रसिका पहले तू जा, मैं आता हूं, पीछे से कोई आ गया तो। वो गई, नीचे गई और उसने टॉर्च से इशारा किया कि यहां पर पैर फंसा था तेरा। हाथ पकड़ के खींचा और वहीं हाथ लगा दिया मैंने, और मैं महसूस करने लगा उसे। वो कुछ मोटा सा था, बहुत मोटा, जमीन से निकला हुआ था और एक अजीब सा आकार था उसका, गोल सा, जहां पर पैर फंस सकता था। फिर नीचे जा रहा था वो, और कुछ मुलायम नहीं था, गद्देदार भी नहीं था, बस ऐसा था कि काफी वक्त से पानी में था, इस वजह से मैं बाहर आ गया और रसिका को देखकर हंसने लगा और वो भी हंसे जा रही थी। वो शैतान का फंदा उस पेड़ की जड़ थी। हम भी ऐसे ही हंसे और एक दूसरे से वादा किया कि ये हम किसी को नहीं बताएंगे। मैंने गांव छोड़ दिया, रसिका ने भी शायद छोड़ दिया हो, पर 2 हफ्ते पहले मैं उस गांव में गया था। अब उसका आसमान नीला नहीं है, कालापन दिख जाता है, जमीन चारकोल से बनी है, रोड, घरों की दीवारों का रंग रंग बिरंगा है, जो मन आता है वो रख देते हैं। रात को उतने तारे भी नहीं होते हैं। और जुगनू है तो न जाने कहां चली गई। वो तालाब सूख गया है, उस तालाब के पीछे जो जंगल था वो कट गया है, तो पता चला कि वहां पर शमशान घाट था जहां से धुआं आता था, वहां लोगों को जलाते थे तो बदबू आती थी। उस पेड़ को ढूंढ रहा था मैं, तो पता चला कि उस पेड़ को काट दिया है और वहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है। तो ऐसे ही ख्याल आया, क्या जब ये बिल्डिंग बनेगी तो शैतान की आत्मा वहां पर रहने वाले को
रहेगी। शुक्रिया।